अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तों, मैं आज एक नुस्खा बना रहा हूँ जो कि चेहरे के दानों के लिए हैं और दाग धब्बों के लिए हैं। ज़्यादातर ये नुस्खा जो है कि वो ना दानों पे काम करता है, जिनके चेहरे दाने बन जाते बहुत ज़्यादा बाकसरत तो चेहरा ख़राब हो जाता है, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैं इसका मुकम्मल नुस्खा भी आपको बता देता हूँ और जो जो चीज़ें हैं इसमें डाली जा रही वो भी, और आप देख भी लें, आपको पहचान होनी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको चीज़ों की पहचान हो, ताकि आप कहीं से भी लें, हमसे लें या किसी और से लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उन चीज़ों का पता हो कि ये चीज़ जो हमें दी जा रही है क्या वाकई वही चीज़ है या कोई और है। तो स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें तीन चार चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। एक तो अफसातीन है, अफसातीन जो कि बहुत कड़वी होती है, ये अफसातीन है सारी, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत कड़वी होती है, तो ये लेनी है 50 ग्राम आपने, ठीक है। और साथ साथ आप नोट भी करते जाएं, ये लेनी है 50 ग्राम। और दूसरी जो है इसमें सना मक्की है, ये आप देख सकते हैं, ये सना मक्की के पत्ते हैं, ये सना मक्की के पत्ते हैं, ये 25 ग्राम लेने हैं आपने। और इसमें त्रिफला है, त्रिफला जो होता है वो आंवला, बेड़ा और हड़र उड़ती है, तो ये आंवला है, और मैंने बेड़ा और अड़हर जो उसकी ना गिटक निकाल दी है बीच में से पीस के ना, तो फिर ये है कि जब ये पाउडर किया जाएगा तो इसमें जो गिटक होगी ना उस वो नहीं डालनी, तो रिज़ल्ट फिर अच्छा नहीं मिलता। तो एक और चीज़ है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो नीचे है इसके, तो ये चिरायता है, और चिरायता जो है ये रहा नीचे, ये रहा, ये चिरायता है इंडिया का, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये भी कड़वा है, ये सारी चीज़ें तकरीबन कड़वी हैं, तो इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, वज़न आप फिर से देख लें कि ये जो अफसातीन है ये आपने लेनी है 50 ग्राम, ठीक है, ये 50 ग्राम। सना मक्की जो है, सना मक्की 25 ग्राम है, और त्रिफला जो है ये यानी कि आंवला, हरड़ और बेड़े, ये तीनों चीज़ें 50 ग्राम लेनी है आपने, यानी कि तीन चीज़ों को त्रिफला कहा जाता है। और जो चिरायता है वो भी 50 ग्राम लेना है आपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है, वज़न नोट कर लेना है, अगर आप खुद बनाएंगे तब भी, अगर हमसे मंगवाना चाहते हैं तब भी, तो ये चीज़ें वज़न का आगे पीछे नहीं करना आपने। और कोई भी चीज़ की समझ अगर ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर एक आपके सवाल का जवाब दूंगा। जो भी चीज़ की ना समझ लगे, बनाने का तरीका या जो भी है, तो इसके खाने का तरीका मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि ये खाना कैसे इस्तेमाल कैसे करना है। अभी मैं आपको ये आपको साबुत दिखा दिया मैंने, अभी मैं आपको पीस के दिखाऊंगा कि ये पीस के ये कैसे बन जाता है, और इसकी मकदार ख़ुराक जो है वो आपको बताऊँगा, और इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बताए हैं पहले भी कि ये चेहरे के दाने के लिए होता है, ये बाकसरत जो क्रीमें लगा ली जाती हैं केमिकल वाली होती हैं क्रीमें, वो उनकी वजह से दाने बन जाते हैं, या फिर चेहरे के ऊपर आप कोई भी ऐसी चीज़ लगा लेते हैं जो जो चेहरे को माफक नहीं होती, और वो तब भी स्किन ख़राब हो जाती है। स्किन के तमाम जुमला अमराज जो कि ख़राब हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। खाने वाली है, लगानी नहीं है, लगाने वाली मैं आपको फिर वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको। तो अभी वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, तो मैं आपको पीस के दिखाता हूँ ये कैसी बन जाएगी, तो मिलते हैं अभी। अच्छा दोस्तों, ये मैंने बना ली है, ये इसको पीस लिया मैंने, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जब बन जाती है तो बन के ये कैसे तैयार हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसको अभी छाननी भी मारनी है, ये बन गई है तो इसको छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो फोग होता है ना वो निकाल देना है हमने, वो नहीं रखना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम छानेंगे, छानने के बाद आपको दिखाएंगे ये कि ये मुकम्मल तैयार कैसे हो गई है। अच्छा दोस्तों, ये मैंने मशीन में से निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं मशीन खाली हो गई है बिल्कुल। अब ये छाननी में है, ये हम इसको छान लेंगे, ये आप देख सकते हैं छानने का प्रोसीजर। तो आम छाननी होती है जैसे कि घरों में होती है आटा छानने वाली, तो इसको छान लेना है आपने, क्योंकि ये सिर्फ पाउडर देना है,
ये जो फोक रह जाएगा ये नहीं देना आपने, ये कड़वाहट इतनी है इसमें कि ये अब धूल उड़ रही है तो गले में गला भी कड़वा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गई है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ फोक रह गया है, ये हमने नहीं यूज़ करना, तो ये हम इधर रख देते हैं। तो ये मुकम्मल तैयार हो गया है उसका। तो इसका अब रह गया मकदार खुराक का। तो ये अर्क उशबा लेना है, अर्क उशबा होता है ना जो, उसमें आपने इसके देना है अर्क उशबा के साथ ये इतनी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, तो हाफ़ टी स्पून आपने अर्क उशबा के साथ देना है इसको। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और चंद ही दिनों में ये दाग धब्बे छाइयाँ दाने ख़ास तौर पे जो दाने हैं दाने ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।